हेलो दोस्तों, हमारे यहाँ कुछ नेट के प्रॉब्लम, वेदर ख़राब होने के कारण हमको क्लास मेरा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि ये हम रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, आप लोग रिकॉर्डेड सिस्टम में सेक्शन में जाके उस क्लास को पूरा देख लेंगे और उसमें जो रिलेटेड चीज़ें होंगी उसको आप रिवाइज कर लेंगे। क्लासेस कोशिश करेंगे क्लासेस ना छूटें, मेरी यही कोशिश रहेगी। कुछ वेदर के कारण, नेट के प्रॉब्लम के कारण क्या हुआ, क्लासेस डिस्टर्ब हो गया था, बट हम इसको आपको लोड कर देते हैं, इसमें क्लासेस लेकर लोड कर देंगे, तो आप उस रिकॉर्डेड चीज़ों को आप देख लेंगे। अगर इसमें कोई परेशानी होगी तो आप नेक्स्ट क्लास में उसमें आप पूछ सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे संविधान की विशेषता के बारे में, तो हम लोग आज फिर चलते हैं कि हमारे संविधान की विशेषता में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा था। हम लोगों ने संविधान की विशेषता में चार चीज़ें पढ़ ली थी कि फेडरल सिस्टम यानी एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ ये संघीय व्यवस्था, ये इतना चीज़ हम लोगों ने चार चीज़ें पढ़ा था कि एक हमारा संविधान में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ क्या है, एक संघीय व्यवस्था है। अब हम लोग भारत के पार्लियामेंट्री फॉर्म अब यानी सरकार के संसदीय स्वरूप के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि सरकार के भारत के संसदीय स्वरूप का क्या मतलब है। तो देखिए, थोड़ा सा समझने का आप कोशिश कीजिए। हमने इस लेक्चर को भी लिया है पहले के क्लासेस में, तो बट थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर देते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ यानी सरकार के संसदीय स्वरूप का क्या मतलब है। सरकार के संसदीय स्वरूप का मतलब है सरकार का ऐसा तरीका जिसमें संसद ऑल इन ऑल हो। क्या हो? संसद। अब संसद क्या होता है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मतलब क्या होगा, संसद सर्वो सर्वा होगा, ठीक है। संसद, और संसद किसके माध्यम से चलेगा, संविधान के माध्यम से चलेगा, ठीक है। तो ये है आपका संसदीय व्यवस्था। तो संसद का मतलब क्या होता है, किसी भी देश के संसद का मतलब हुआ कि वहाँ का सरकार को बैठने के लिए, बात करने के लिए, डिस्कशन के लिए एक भवन बनाया जाता है, उसको संसद बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे नेताओं लोग, ठीक है, सांसद जो चुन के जाते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं। वहाँ बैठने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे नियम पे कानून पे चर्चा होती है, तो हम लोग संसद बोलते हैं। तो संसद का क्या काम है, हमारे बहुत सारे नियम को बनाना, उसको निर्मित करना, तो ये हमारे संसद का काम है। तो सरकार का संसदीय स्वरूप का क्या मतलब हुआ कि ऐसा सरकार की ऐसा व्यवस्था जो संसद के माध्यम से चलता हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, कहीं कहीं राष्ट्रपति की भूमिका ज्यादा होती है जैसे अमेरिका में, ठीक है, और सरकार की भूमिका कम होती है। मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे उसमें एक आदमी, उसमें राष्ट्रपति, जनरली राष्ट्रपति का अधिकार ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति, एक तरह से राष्ट्रपति का हम कह देंगे कि वो सरकार है इसमें, क्योंकि राष्ट्रपति को विशेष अधिकार है। जैसे अमेरिका को लेकर, जैसे ब्रिटेन का जो संविधान है उसका क्या है, ब्रिटेन के संविधान में वो क्या है कि ऑल इन ऑल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का काम होगा। जैसे हमारे भारत में क्या है, राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति का अधिकार सीमित है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर का अधिकार ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो ये है संसदीय व्यवस्था। एक संसद होगा, संसद में अलग अलग सदन हो सकते हैं। संसद सदन में क्या होगा, हमारे नेता लोग बैठेंगे, फिर डिस्कस करेंगे अलग अलग मुद्दों पर। तो संसदीय व्यवस्था में मतलब पार्लियामेंट को विशेष अधिकार है कानून बनाने के संबंध में या किसी चीज़ों को चर्चा करने, मतलब संसद ऑल इन ऑल होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये मतलब होता है संसार सरकार। हमारे यहाँ क्या है, सरकार का संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। अध्यक्ष, इसको क्या बोलते हैं, अध्यक्ष प्रणाली नहीं छोड़ होके संसदीय प्रणाली से। अध्यक्ष प्रणाली मतलब हुआ जैसे अमेरिका में अध्यक्ष प्रणाली, वहाँ मतलब राष्ट्रपति ऑल इन ऑल होगा, ये है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली के सरकार को वेस्ट मिनिस्टर रूप या उत्तरदायित्व सरकार या मंत्रिमंडल सरकार भी कहते हैं। इसको दो अलग 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 नामे हैं। एक क्या हुआ, वेस्ट मिनिस्टर उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडल सरकार। तो मंत्रिमंडल सरकार होगा, मंत्रिमंडल मतलब ऑलरेडी उसमें बहुत सारे मंत्री होंगे, अलग अलग मंत्री, वो आपस में मिलके सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे, इसलिए उसको मंत्रिमंडल सरकार भी बोलते हैं। इसके अलावा उत्तरदायित्व सरकार, ये ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है क्योंकि सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, आपस में सारे लोग बात करते हैं। इसके देखिए कुछ खामियां हैं, कुछ उसके गुण हैं। जैसे कि जनरली माना जाता है कि इस तरह के सरकार कम स्टेबल होते हैं, मतलब ज़्यादा अस्थायी नहीं होते हैं। फिर एक अध्यक्षात्मक सरकार में ज़्यादा अस्थायी होता है,
ये बहुत सारे गुण है जो आपस में बाद में हम चीजों को पढ़ेंगे। बस आपको अभी ये समझना है कि हमारे यहाँ सरकार की व्यवस्था क्या, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था शॉर्ट में लेके आगे हम लोग एक बार पढ़ लेंगे इस विशेषता, फिर काफी चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया सरकार के सं चौथा छठा पॉइंट क्या है कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, मतलब क्या, संसदीय संप्रभुता होगा और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय होगा। संसदीय संप्रभुता मतलब क्या, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो संसदीय संप्रभुत, संप्रभुत का मतलब क्या होता है समझिए, और सर्वोच्चता क्या, न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब समझिए। तो हमारे यहाँ ये आप समझिए कि शक्ति का जो विभाग, हमारे यहाँ तीन संस्थाएं काम करती हैं, ठीक है, मेन रूप से। जो पहला क्या है, विधायिका, ठीक है, उसको तो बोलते हैं विधायिका, ठीक है, विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, ये तीन मेन संस्थाएं हैं, ठीक है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था में क्या है कि ये तीन संस्थाएं हैं, तीनों का अलग अलग काम है, ठीक है। पहला विधायिका हो गया, दूसरा कार्यपालिका हो गया, तीसरा न्यायपालिका हो। तो विधायिका का क्या काम होगा, विधायिका का काम क्या होगा, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम होगा, वो जो कानून बनाते हैं उसको क्रियान्वयन में लाना। और न्यायपालिका का काम होगा उन कानूनों को, ये जो हमारी व्यवस्था चलती है वो कानून के स्वरूप चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस उसकी जो है समीक्षा, समीक्षा मतलब उसकी देख रेख, चीज़ें सही से चल रही को, उसका समीक्षा न्यायपालिका करता है। क्या करता, कौन करता है, न्यायपालिका का काम है उसके समीक्षा को करना। अब देखिए, तो अब हम बात कर रहे हैं कि अब हमारे यहाँ क्या है कि संसदीय संप्रभुत्व है। संसदीय संप्रभुत्व का मतलब क्या हुआ है, अब ये विधायिका और कार्यपालिका, इसको बात को थोड़ा समझे आप, ये दोनों संसद में आते हैं, क्या आते हैं, संसद का अंग, ये विधायिका और कार्यपालिका, ये आगे चल के आप समझेंगे, थोड़ा सा हम इस पर क्लियर कर दें। देखिए आपको समझना है विधायिका और कार्यपालिका संसद का भाग है, और न्यायपालिका मतलब न्यायालय, सिंपली बात है न्यायालय। तो न्यायालय में जैसे इसको हम कोर्ट कहते हैं, ठीक है ना, कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, मतलब अलग अलग स्तरों पे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, साधारण न्यायालय, जिला न्यायालय, इस तरह के कोर्ट है, न्यायालय मतलब कोर्ट। तो और संसद में विधायिका है और कार्यपालिका। विधायिका का काम बताते हैं ये क्या चीज़ है, थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं आपको कि विधायिका का क्या मतलब होता है कि जो संसद में ही लोग हैं, लेकिन वो सारे लोग होते हैं जो कानून बनाते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का होगा या बीजेपी का होगा या अलग अलग पार्टियों का होगा, तो सारे लोग मिल के क्या करेंगे, किसी कॉमन मुद्दे पे जो हमारा कानून होगा उसको पारित करेंगे, उसको पास करेंगे, ठीक है। तो वो विधायिका हो गया, उसमें सारे मंत्री आते हैं, मतलब तो संसद में जो भी लोग बैठते हैं ना वो विधायिका का रूप हो गया, क्योंकि वो उसका काम है कानून बनाना। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, तो जो लोग मेन रूप से जो मंत्री होते हैं, ठीक है ना, उसमें जितने मंत्री जो जनरली मंत्री आपका क्या होता है कि जो बहुमत पार्टी से होते हैं उन्हीं के मंत्री होते हैं, जिसमें अलग अलग केंद्र के स्तर पर मंत्री, राज्य मंत्री, तो इस तरह के मंत्री होते हैं, तो उनका क्या काम, क्या जो भी चीजें आप कानून बना उसको वो क्रियान्वयन में लाएंगे। क्रियान्वयन में लाने का मतलब क्या, उसमें वो क्या करेंगे, उसको जमीनी हकीकत पे लाएंगे, उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि वो एक के कार्यपालिक, विधायिका तो हो गया तो उसका कार्यपालिका काम करती है। अब वो कार्यपालिका अलग अलग माध्यम से काम करती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ऑल इंडिया में, उसके सर्विसेस हैं कैसे कैसे, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। बट ये समझ लीजिए कार्यपालिका का काम है कि वो जो विधायिका नियम बनाता है उसको क्रियान्वयन में लाने का काम करती है हमारी कार्यपालिका। अब देखिए अब क्या है कि
संसदीय संप्रभुत्व का मतलब हुआ कि संसद का कोई भी काम होगा, ठीक है ना, संसद का कोई भी काम होगा तो उस मामले में कोई दूसरा ऑर्गेन उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे संसद अपना काम करेगी, यानी विधायिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी, तो उसमें न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर विधायिका अपना कोई काम कर रही है, कार्यपालिका अपना कोई काम कर रही है, उस बीच में न्यायपालिका को कुछ काम करने का अधिकार नहीं है, उसको बोलते हैं संप्रभुता। तो एक शब्द आता है, आपको ध्यान से समझेंगे, हमारे भारत देश के लिए भी शब्द का प्रयोग आता है, हमारा भारत देश एक संप्रभुत्व देश है। तो संप्रभुत्व देश का सिंपली एक मतलब होता है कि हमारे आंतरिक मामले में जब हमारा कोई आपसी बात होगा तो बाहर के लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, जैसे कि हमारा अपना अधिकार हो। इस आजादी का मतलब यही होता है। तो हमारा देश, आप ऐसे समझे इस बात को, कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले का क्या स्थिति था, चूंकि हमारा देश आजाद नहीं था तो सारे मैटर हो, चाहे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यानी राज्य की व्यवस्था के मैटर हो, या कोई इकोनॉमिक मैटर आर्थिक मामला हो, उस सारे को कौन देखता था, अंग्रेज देखता था। तो क्या हुआ, क्या हम आजाद हुए, क्या हम संप्रभुत हुए, नहीं। तो संप्रभुता का मतलब होता है जब हमारा कोई आंतरिक मामला हो या किसी तरह का मामला हो, उसमें हम ऑल इन ऑल सर्वे, उसमें किसी दूसरे पार्टी का कोई अधिकार नहीं हो। तो संप्रभुता का यही मतलब होता है। क्या होता है, संप्रभुता का यही अर्थ है कि हमारे किसी आंतरिक मामले में कोई बाहर के लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे कोई हमारा आंतरिक मामला होगा, जब तक हम उसको बाहर ले नहीं जाए, किसी की सहायता नहीं ले, तो न तो उसमें चीन बोल सकता है, न पाकिस्तान बोल सकता है। आपने अक्सर सुना होगा जब हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ चीज़ें होती है तो डोनाल्ड ट्रंप जी यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जी बोलते थे, हम मध्यस्थता कर देते हैं आपके झगड़े। मतलब सिंपली बात है, जैसे दो आदमी के बीच झगड़ा हुआ तो थर्ड पर्सन क्या होता है, हम आपको सुलझा देते हैं, नहीं। तो संप्रभुता का यही मतलब होता है, हमारा कोई आपसी मामला, हम देश में कोई चीज़ हमारी चीज़ें हो रही है तो आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो संप्रभुत। तो यही हमारा संसद संप्रभुत्व है। इसका मतलब हुआ कि जो विधायिका का काम है, जो कार्यपालिका का काम है, उसके मामले में कोई भी आदमी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ न्यायिक सर्वोच्च का समन्वय, मतलब क्या कि दो शब्द आया, संसदीय संप्रभुत्व एवं न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। मतलब एक तो पार्ट है ही कि संसद का सर्वोच्च सर्वोच्चता है, दूसरा क्या है, संसदीय संप्रभुता है, दूसरा शब्द क्या है कि न्याय की सर्वोच्चता है। मतलब क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो फाइनल हो गया। मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट हर मामले को, मतलब उसको हम एक गार्जियन के रूप में देखते हैं, किसको, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है कि हमारे संविधान में जो चीजें लिखी हुई है उसको बताने वाला, क्योंकि क्या है ना, संविधान क्लिष्ट, वो सिंपल भाषाओं में नहीं है, उसका क्या व्याख्या होगा, अगर कहीं हमारे केंद्र राज्य के बीच या देश में कोई मामला उलझ जाता है तो उसमें संविधान का हेल्प लिया जाता है, संविधान में उसका क्या मतलब है, वो कहाँ से हम लोग समझेंगे। तो वो क्या होता है, न्यायपालिका उन चीजों को व्याख्या करती है, क्या करती है, न्यायपालिका क्या करेगी, उन चीजों को व्याख्या करेगी। अब क्या इंटरप्रिट, किस मामले का कैसा उसका व्याख्या होगा, ये काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का, मतलब उच्चतम न्याय। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ न्यायपालिका क्या है, सर्वोच्चता का समन्वय। इसके पीछे और कारण, एकीकृत न्याय, न्याय व्यवस्था भी बोलते हैं, एकीकृत स्वतंत्र न्यायालय, हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, ये इसका गुण है कि एकीकृत न्याय, न्याय, इसको दोनों टॉपिक को हम एक साथ आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए हम 1 मिनट देखिए, ये देखिए, एक दूसरा टॉपिक है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ये दोनों मिलता जुलता टॉपिक है। पहला हमने समझा कि संसदीय, देखिए एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका, तो हमने पहले टॉपिक में समझा एकीकृत आने मतलब संसदीय संप्रभुता और न्यायपालिका के संबंध। अब क्या है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे, देखिए इस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अब जो हमारे यहाँ जो न्यायालय है वो एकीकृत व्यवस्था है। अब ये क्या है एकीकृत, आप समझेंगे, ये इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है,
इंटीग्रेटर मतलब होता है एक दूसरे से मिला जुला। हमारे यहाँ जो संसद की व्यवस्था है, ठीक है ना, वो केंद्र स्तर पे अलग है, राज्य स्तर पे अलग है। मतलब क्या, सिंपली देश स्तर पर चुनाव अलग तरीके से होता है, राज्य स्तर पर अलग तरीके से चलाता है। देश को अलग कानून के व्यवस्था से चलती है, राज्य अलग कानून व्यवस्था के चलती है, उसका अलग नियम है जिसको केंद्र सूची में है, वो सारे चीज़ें हैं। राज्य सूची का अलग चीज़ें हैं, उस पर सारी चीज़ों पर चर्चा होता है। मगर लेकिन ध्यान से समझे, न्यायालय की जो व्यवस्था है एकीकृत व्यवस्था है। मतलब क्या, आप एक दूसरा न्यायालय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये आप कैसे समझेंगे? तो आप समझेंगे तब कि हमारे यहाँ जब भी कोई केसेस फाइल होते हैं, जैसे कोई मामला संसद में गया, तो उसका रूल क्या है कि आप लोअर कोर्ट में वो मामला सुलझेगा। छोटा कोर्ट जो आपका सिविल कोर्ट है, जो आपका अनुमंडलीय कोर्ट है, जो आपका नीचे स्तर का कोर्ट है, वो उससे भी नीचे पंचायत स्तर का कोर्ट होता है, तो वो लोग कम ही लोग जानते हैं। ठीक है, तो पंचायत स्तर का कोर्ट हुआ, फिर उसमें आगे गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट गया, तो हाई कोर्ट के वाला मतलब वही मामला, क्योंकि क्या है एकीकृत व्यवस्था है, तो वही मामला क्या हुआ, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में उसका फाइनल डिसीजन होगा। अंतिम मतलब सुप्रीम कोर्ट में वो डिसीजन होना ही है, उसमें अलग अलग बेंचेज हैं, वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर दो बेंच की, तीन बेंच की, की 7 बेंच की, 9 बेंच, मतलब वो मामलाओं के हिसाब से कि किस तरह का मामला उसमें बेंच बैठाया जाता है, तो वो मामला। तो उसमें क्या है, तो ये क्या एकीकृत, मतलब सीधा ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट चले, आपके एक 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 चीजें न्यायालय आपस में जुड़ा हुआ, तो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मतलब एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय, दूसरे न्यायालय से तीसरे न्यायालय, इस तरह से जो। बट क्या होता है, हमारे यहाँ संसद, जैसे संसदीय व्यवस्था में क्या है कि राज्य स्तर पर अलग अपना उसका लेजिस्लेचर होगा, उसका विधायिका होगा, ठीक है, मतलब उसका अलग संसद होगा, उसको विधानमंडल बोलते हैं, ठीक है, विधानसभा और विधानमंडल, ठीक है, तो इस तरह से विधानसभा। तो उस इसके अलावा केंद्र स्तर संसद हो गया, पार्लियामेंट हो गया, तो ये है, इसीलिए एकीकृत नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट हुआ, बस जुडिशियर क्या है, मतलब संसद, सॉरी संसद नहीं, न्यायालय क्या है, एकीकृत है। एकीकृत का मतलब क्या, छोटे कोर्ट में जाएंगे, उससे बड़े कोर्ट में जाएंगे, मतलब आप खुद उसमें अपील करेंगे, तो क्या एक दूसरे न्यायालय एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो दो चीज़ आपको यहाँ पे कहा गया है कि न्यायिक सर्वोच्चता है, न्यायिक ध्यान समझे कि संसद की संप्रभुता है, और न्यायिक सर्वोच्चता है, न्याय की सर्वोच्च, और न्यायिक भी व्यवस्था भी कैसे, एकीकृत न्यायिक न्यायिक व्यवस्था है। कैसा व्यवस्था है, एकीकृत, मतलब सारी न्यायिक व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो अभी हम बार बार टॉपिक पढ़ लेंगे, तो इसलिए आप चिंता नहीं करें, वो चीज़ हम बार बार पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए, 9वां पॉइंट है, सॉरी 8वां पॉइंट है, मौलिक अधिकारों का समन्वय, यानी मौलिक अधिकार। तो सबसे पहला बात, मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे संविधान में, तो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकार, इसमें हमने नहीं लिख ऐड किया है, बट अभी आप बाद में उसको कर लेंगे क्लियर। जब मौलिक अधिकार चैप्टर, टोटल 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है, कैसे है, क्यों दिया जाता है, उस पर 2 मिनट हम चर्चा करते हैं, पहले आप समझ लीजिए क्या है। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, सार्वभौमिक उपचारों का अधिकार, टोटल 6 अधिकार। पहले आपको जमीन का भी अधिकार था, यानी हमारे पास जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है उसका भी अधिकार है, बट अब वो उसको हटा दिया गया है, ठीक है, बस उस पर अभी नहीं चर्चा करें, पहले समझिए ये अधिकार क्या, मौलिक अधिकार। तो ऐसा था कि हमारे संविधान ने पिछले इतिहास को देख के, हमारे समाज की परिस्थितियों को देखते हुए, संविधान निर्माताओं ने कुछ आदमी के कुछ मौलिक अधिकार, मौलिक मतलब जो मेन मिनिमम जो जरूरत है लोगों को, उन अधिकारों को संविधान में शामिल किया। इसलिए संविधान में शामिल किया क्योंकि वो चाहते थे सबको कुछ ना कुछ मिले, सारे, चाहे वो नीचे जाति को हो या ऊपर जाति को, सबको समाज में रहने का समान तरीका से। ये आप सोचेंगे ऐसा काहे था, उसके पीछे तर्क यह है कि चूंकि आजादी से पहले आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश की स्थिति एकदम बदतर थी, मतलब इस सेंस में कि हमारे यहाँ जो जाति का भेदभाव बहुत ज्यादा था। क्या था, जाति, अंतर जातीय जो भेदभाव होता है बहुत ज्यादा था। उसमें आप लोगों ने अक्सरा सुना होगा, जैसे अम्बेडकर जी अक्सरा कहा करते थे अपने खान, वो स्कूल में पढ़ते, पता है क्या उनके साथ क्या होता था, उनको स्कूल से फिर
क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर बैठाया जाता था। तो ये अंबेडकर जी की कहानी। तो अंबेडकर जी प्रैक्टिकली उन्होंने सारे सिचुएशन को देखा था। तो उन्होंने जब जब उन्होंने संविधान बनाया तो विशेष रूप से इन बातों को ध्यान रखा कि जो नीचे जाति के लोग हैं, वो जिसको SC ST बोलते हैं, जिसको हम लोग अछूत समाज में बोलते हैं, जिसको डोम चमार बोला जाता था, उनके अधिकार के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ करना देखिए होना ऐसे ही नहीं, जो भी नीचे उनके समान रूप से देखिए संविधान बनाते समय इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि सारे जाति को एक सम्मान मिले, एक इज्जत मिले। इसीलिए सारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म को, सारे चीज़ों को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ सबको अधिकार दिया। मतलब जैसे कि जीने का अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये सब चीज़ें अधिकार थी, ठीक है, टोटल 6 अधिकार। अब तो अधिकार का सिंपली मतलब आप समझे, कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो जीवन जीने के लिए सबको मतलब सम्मानपूर्वक, डिग्निटी लाइफ, संविधान एक शब्द का यूज करते हैं, सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए अधिकार, मतलब डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए क्या किया संविधान ने, कुछ मौलिक अधिकारों को जोड़ा, कुछ मेन, कुछ प्रधान मेन इम्पोर्टेंट अधिकारों को, राइट्स को उन्होंने जोड़ा, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट या उसको मौलिक अधिकार बोलते हैं। ये मौलिक अधिकार क्या हैं, कितने हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, ये एक पूरा अलग से चैप्टर है, उसमें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि समानता का अधिकार पहला अधिकार है, उसको 14 अभी आर्टिकल क्या, उसमें हमने पहले चर्चा किया आर्टिकल क्या है, सिंपली हमारे संविधान में अलग अलग सेक्शन वाइज क्या हुआ है, संविधान को बांटा गया, उसमें जैसे पहला चैप्टर में ये होगा, दूसरा चैप्टर में ये चीज होगा, तो ये यही चीज है बस। 14 से 18 चैप्टर में हमारे ऐसा समझे, 14 से 18 चैप्टर में क्या किया है कि हमारे संविधान के समानता के अधिकार के बारे में। तो अब समानता के अधिकार का क्या मतलब, जो आपस में सारे लोग हैं एक साथ रहेंगे, सबको इक्वल अधिकार मिले, उसमें अलग अलग चीजें जो हम लोग बाद में बात करें, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, सब लोगों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। इसका एक चीज समझे, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, तो अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग अपना धर्म जाति एक्सेप्ट, इसलिए आप देखते उसको स्वीकार करने का अधिकार, यानी हमारा देश कोई खास जाति का नहीं, आप कहेंगे नहीं हमारे देश में हिंदू है तो हिंदू जाति का नहीं, हमारा संविधान, हमारा देश ये नहीं कहता है कि हमारा देश सिर्फ हिंदुओं का देश, इस बात को आप ध्यान, आप ये सोचते होंगे कि नहीं हम मुस्लिम जाति को, अलग जाति को भगा देंगे, ये नहीं, क्योंकि हमारे संविधान ने ही सारे जातियों को एक साथ रहने का अधिकार दिया है, ठीक है। हमारा संविधान इतना महान है कि उन लोग, ये तो कुछ हमारे नेता लोग होते हैं, ठीक है, बोलेंगे कि अपने अपने फायदे के लिए, ठीक है, ये जाति ऐसा है वैसा है, इसको नहीं रहना चाहिए, इसको देश भगाओ, ऐसा करो, ये नहीं। हमारे संविधान ने हमारे धर्म को, हमारे इतिहास को पढ़ने के बाद उन्होंने एनालाइज किया कि सारे धर्म का एक साथ रहना जरूरी है, तो हमारे विकास के लिए भी, उनके विकास के लिए अलग अलग तरह के लोग रहेंगे, अलग अलग जाति के लोग रहेंगे, तो हमारा विकास हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे धर्म को, अलग अलग जातियों को एक साथ रखा, उनके अधिकार को भी उन्होंने सुनिश्चित किया। तो ये मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसके विरुद्ध अगर कोई चीजें होती तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते। मौलिक अधिकार इतना इम्पोर्टेंट अधिकार है कि कोई ऐसा हमारे यहाँ कानून नहीं है जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने अपील को दायर कर सकते हैं, बट मौलिक अधिकार उन अधिकारों में से सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है जिसके माध्यम से आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर तुरंत संज्ञान लेती, संज्ञान मतलब आपके मैटर को सुनेगी, मौलिक अधिकार इतना इम्पोर्टेंट अधिकार माना जाता है। तो ये है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में समन्वय है, ठीक है, ये संस्कृत, सांस्कृतिक शिक्षा, धर्म, ये सब है चीजें, आप पढ़ेंगे हम लोग उसमें डिटेल, एक पूरा चैप्टर ही है मौलिक अधिकार, आपका चैप्टर नंबर 2 जो है NCERT का मौलिक अधिकार ही है। तो उसमें पैटर्न मेरा ऐसे होगा कि नागरिकता पढ़ लेंगे हम लोग, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे, ये मौलिक अधिकार क्या है, कैसे है, उसमें क्या क्या उसका क्या क्या लिमिटेशन है, उसमें क्या चीजें करनी है, आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। चलिए अब हमारा 8 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। देखिए 8वां पॉइंट, 9 पॉइंट हम एक चीजों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बीच में 9 पॉइंट हम बाद में चर्चा करेंगे, ये मौलिक कर्तव्य क्या है, पहले मौलिक अधिकार हम लोगों ने जान लिया कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है, कैसे है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हमारे
बात समझिए कि देखिए, अब ये ऐसा कि हमारे संविधान ने कुछ हम लोगों को अधिकार दिया, तो कुछ हमारा कर्तव्य भी है। कर्तव्य मतलब समाज में आप रहते हैं, कुछ काम करते हैं, तो एक अपना, एक मानवता, मानव होने के कारण हमारी एक उत्तरदायित्व, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जैसे अब ये पूछेंगे ये क्या चीजें, सबसे पहला बात आप जो समझेंगे, सिंपल सा बात समझें कि जैसे कि आपको अपने देश के प्रति सम्मान, अपने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान, अपने झंडा के प्रति सम्मान, मतलब ये सब क्या चीजें हैं। मैंने आपकी अपनी कुछ ड्यूटी जो जरूरी है आपके देश के लिए, आपके संविधान के, आपके लोगों के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार के अलावा क्या किया हमारे संविधान ने, हमको मौलिक कर्तव्य की भी कुछ धारणाओं को जोड़ा है कि ताकि आप उस मौलिक कर्तव्य को अपनाएंगे और फिर ताकि अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे। ठीक है, वन मिनट। तो हम लोग यही मौलिक कर्तव्य का मतलब समझ गए होंगे कि मौलिक कर्तव्य का क्या मतलब है। हमारे संविधान ने कुछ अधिकार दिया है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अगर हम आदमी को कुछ अधिकार देते हैं तो उनकी कुछ दायित्व भी होती है। दायित्व का क्या मतलब हुआ कि हम उनके उनको रक्षा करें, हम अपने देश के प्रति सम्मान करें, उन सब सारे चीज़ों के प्रति आदर करें। तो ये है, जैसे कि देखिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी कि देश का सम्मान करेंगे, इसके बाद आपस में शांति बना कर रखेंगे, भाईचारे के साथ रखेंगे, हमारे जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ उस चीज़ों को सही से डेवलप करके रखेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे मौलिक अधिकार में चीज़ों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो वन मिनट। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे मौलिक, हमारा मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक, जैसे मौलिक अधिकार है ऐसे ही हमारा कुछ मौलिक कर्तव्य। जैसे कि सिंपल सा बात, जैसे कि आप सोचेंगे ओ झंडा का, हमारे देश का, हम नहीं अपने देश का सम्मान नहीं करेंगे, तो ये गलत बात है। आपके अपने देश को सम्मान करना पड़ेगा, आपके अपने देश की जो चीज़ें हैं उसको, जैसे चाहे झंडा हो, राष्ट्रगान हो, इसके प्रति आपको सम्मान रखना पड़ता है, नहीं तो आपको कानूनी रूप से दंड भी होगा। तो यही है कि हमारे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार है, तो हमारा कुछ कर्तव्य भी दिया हमारे संविधान ने। कि सिंपल सा बात है कि हम अब जिस देश में रहते हैं उसका रेस्पेक्ट करेंगे। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आप देश के रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध सेडिशन का चार्ज, मतलब देशद्रोह का चार्ज लगेगा। अभी अब क्या होता है ना, आप न्यूज़ अगर पढ़ेंगे डायरेक्ट तो आपने अक्सर सुना होगा कि अभी फिलहाल में क्या होता है, जब हम सरकार के विरुद्ध कुछ बोलते हैं या उसके विरुद्ध कोई ऐसा काम करते हैं, तो हमारे विरुद्ध पर आप करते हैं या हम करते हैं, तो हमारे या आपके विरुद्ध सेडिशन का, इसको सेडिशन मतलब बोलते हैं देशद्रोह का चार्ज लगना, मतलब हम देश के विरुद्ध जा रहे हैं। इसलिए हमारे मौलिक अधिकार के साथ साथ हमारे संविधान ने कुछ हमारे कर्तव्य को भी सुनिश्चित किया, ताकि आप उन कर्तव्य को ध्यान में रखेंगे, हमारे अपने देश को रेस्पेक्ट करेंगे, अपने देश को आदर करेंगे। ये है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के अलावा हम अभी चर्चा कर रहे थे 1 मिनट, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो ये क्या है, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो
चलिए अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। आप शॉर्ट में ये समझें कि नीति निर्देशक तत्व का क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। तो ये अलग अलग, सबसे पहला बात देखिए, सबसे पहला बात इसमें जो भी टॉपिक्स हैं ये समझिए एक अपने आप में चैप्टर है, चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हो या मौलिक अधिकार हो या मौलिक कर्तव्य। इसलिए आप इसको क्या करेंगे, जितनी चीज़ें समझ में आता है ठीक है, नहीं तो आप धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे सुनेंगे चीज़ों को, तो आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा ये चीज़ें क्या है। अब जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो का क्या मतलब है, तो समझिए आप ऐसे समझिए कि हमारा देश जिस टाइम आज़ाद हुआ, ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा देश काफ़ी गरीब था उस टाइम, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि बहुत दिनों के बाद दूसरे रियासत से यानी अंग्रेज से हमको स्वतंत्रता मिली थी हम लोगों को। तो बहुत सारे चीज़ों को जो उस टाइम हमारे संविधान निर्माता या हमारे सरकार नहीं कर पाई, उसको हमारे संविधान निर्माताओं ने अलग से जोड़ दिया कि नहीं ये चीज़ें करेंगे, ध्यान समझिए, ये चीज़ें अगर राज करेंगे तो आगे चलकर देशवासियों के लिए या राज्य के लिए अच्छा होगा। सिंपल सा बात है, क्या है मतलब, क्या उन चीज़ों को उन्होंने जोड़ा, जैसे कि पर्यावरण के प्रति हमारे जो है, जैसे सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, सामूहिक हित एवं समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण। अब ये सब क्या है, थोड़ा सा हम समझते हैं ये चीज़ें क्या है, ठीक है। इसमें मतलब क्या कि उस टाइम में जो चीज़ संभव नहीं थी सरकार के लिए, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि सरकार को एक निर्देश दिया, हमारे संविधान ने सरकार को कुछ निर्देश दिए, इसको बोलते नीति, मतलब अच्छे अच्छे निर्देश, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक मतलब ऐसा नीतियाँ जो उस टाइम में हमारा देश प्रैक्टिकली नहीं कर पाता, लेकिन जैसे साइंटिफिक टर्म पर मतलब क्या इस तरह के कोई विकास करना, ठीक है, अलावा तो हम कुछ अभी चीज़ों को चर्चा करते हैं आपको समझ, जैसे कि लोक कल्याण के अभी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, जी कि आय प्रतिष्ठा सुविधाओं को अवसरों को समानता का असमानताओं को समाप्त करना, यही चीज़ें जो अक्सर चर्चा कि हमारे देश में सारे लोग समान रूप से रहें, समानता का अधिकार हो, सारे लोगों को प्रॉपर तरीके से अधिकार मिले। तो ये है जैसे सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन साधन का प्राप्त किया अधिकार, मतलब देखिए सुनिए कि सभी नागरिकों को जीविका प्रदान करने का अधिकार। अब देखिए हमारे संविधान ने आज से 50-60 साल पहले चीजों को ऐड किया कि सारे लोगों को समान रूप से जीविका, क्योंकि देखिए उस टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे यहाँ लोग इतने गरीब थे कि सारे लोगों को खाने तक के लिए नहीं मिल रहा था। उन्होंने जीविका को जोड़ा कि सब लोगों को जीविका का अवसर का प्रदान, जीविका मतलब हमारे यहाँ खाने पीने का व्यवस्था सारे लोगों को मिले कम से कम, कि सारे लोग भूखे नहीं। लेकिन आज हम लोग मिनिमम वेजेस की बात करते हैं, मतलब कम से कम एक जो अधिकार होता है पैसे का, वो सरकार चाहती है सबको दें ताकि सारे लोग समाज में सही से रहें, तो कम से कम खाने के लिए उनकी व्यवस्था हो पाए। इससे अलग अलग हम प्रोग्राम चला है, उसमें अक्षय गोदाम के थ्रू हमने अनाज बांट, अभी जैसे क्या होता है BPL या APL कार्ड के थ्रू हम क्या करते हैं अनाज का वितरण करते हैं। तो ये सब क्या है, ये समानता को लेकर जो हम धीरे धीरे चीज़ों सारे लोगों को प्रॉपर तरीके से खाना, तो ये हमारे से क्या उस टाइम में चूंकि बहुत सारे चीज़ें संभव नहीं थी, इसको ध्यान समझे, जिस टाइम में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तो बहुत सारा चीज़ प्रैक्टिकली रूप से संभव नहीं था लागू करना, तो उन चीज़ों को हमारे हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने दिमाग में सोच के क्या किया, उन सिद्धांतों को हमारे संविधान में जोड़ दिया कि ताकि यही आइडिया मतलब यही चीज़ों को लेके ताकि बाद में वो क्या करें, इन चीजों के बारे में सोच के फिर अपना नीति बनाए, अपना कानून बनाए, अपने चीजों को ठीक करें। मतलब क्या, एक सरकार को संविधान के दी द्वारा दिया गया सिंपली एक दिशा निर्देश है, एक सजेशन है, बस क्या है एक सजेशन है। मतलब जैसे हम कोई बुद्धिजीवी लोग क्या होता है, जब किसी मामला में हम फंस जाते क्या आपसे सजेशन लेंगे, किसी दूसरे आदमी से सजेशन लेंगे, अच्छा ये मामला इसमें क्या किया जाए। तो हमारे संविधान ने ऑलरेडी मतलब आज़ादी के बाद जिस टाइम संविधान बना उसी टाइम में बहुत सारे सजेशन मतलब कुछ निर्देश को हमारे संविधान में जोड़ दिया ताकि
ताकि वो आगे चलकर धीरे धीरे जब भी सरकार किसी किसी मामला को सोचे इन चीजों को ध्यान में रखे, जैसे कि सामान्य न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा बालिका का स्वास्थ्य का विकास, कर्मचारियों को स्वस्थ एवं शक्ति बालिकाओं को अवस्था का दुरुपयोग में संरक्षण। इसके अलावा पोषण धार स्तर एवं जीवन स्तर की ऊंचा रखने तथा लोगों को स्वस्थ का जीवन का सुधार, उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों को भाग लेने का कदम, सभी कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी निर्देश, ये सब सिद्धांत है। इसको बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये सब क्या है समान सिविल संहिता, इसके बारे में हम लोग चढ़ेंगे। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, देखिए ये देखिए आप देखिए, जो हमारे संविधान ने पहले ही नीति निर्देशक तत्व में इन चीजों को जोड़ा है कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरा करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए, कि हमारे सरकार क्या ये काम हो। तो ये चीजें नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था, वही उसी को बाद में सरकारों ने क्या किया, एक मौलिक अधिकार बना दिया कि नहीं अब हर बच्चे को, जो 14 से कम बच्चे को, उसको कम से कम पढ़ने का, 14 से कम बच्चों को पढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, सरकार। तो ये चीज, यही देखिए ये चीजें पहले कहाँ पे थी, नीति निर्देशक तत्व में थी। लेकिन नीति निर्देशक तत्व से क्या हुआ, जब जरूरत पड़ा तो उसको क्या किया उन्होंने, वहां पे उसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया। तो क्या हुआ कि बहुत सारे चीज नीति निर्देशक क्या है, तत्व क्या है, सिंपल भाषा में एक सजेशन है, एक क्या है उसका एक डायरेक्टिव, इसलिए डायरेक्टिव बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक नीति है, नीति निर्देश निर्देश दे रही है आपको संविधान की, ये चीज करेंगे तो आपका देश अच्छा होगा, बेहतर होगा और सुंदर होगा। तो ये है नीति निर्देशक तत्व, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसमें और चीजों को ऐड किया गया, वो अलग से हम चैप्टर में पढ़ेंगे, एक एक मुद्दा पे चर्चा करेंगे, एक एक आर्टिकल में क्या क्या चीजों को जोड़ा गया उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बट वो हम नेक्स्ट सेक्शन में चर्चा करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे क्या है, देखते हैं आगे हमारा, देखिए इसमें एक दिन और लगेंगे फिर खत्म हो जाएंगे, फंडामेंटल सेकुलर स्टेट, धर्म निरपेक्ष। चलिए एक टॉपिक और हम लोग चर्चा कर लेते हैं फिर इस पर। देखिए धर्म निरपेक्ष राज, एक सेकुलर स्टेट, सबसे पहला बात समझिए कि कितने लोगों को लग रहा है कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, तो हम आपको ये क्लियर कर दें कि हमारा देश एक कैसा है, धर्म निरपेक्ष राज्य, समझिए यहाँ पे देखिए एक टर्म आया ना धर्म निरपेक्ष, हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष राज्य, तो यह राज का मतलब देश है। हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं कि राज का मतलब पॉलिटिकल साइंस में देश ही होता है, ठीक है ना, तो यहाँ राज का मतलब देश है। तो चलिए हम सिंपल बात करते हैं धर्म निरपेक्ष का क्या, धर्म निरपेक्ष इस सेकुलर स्टेट का क्या मतलब हुआ, जब कोई देश कानूनी रूप से ये स्वीकार करे कि हमारे कोई एक, हमारे देश में किसी एक धर्म को विशेष अधिकार न मिलके सारे धर्म को आपस में मिलके रहने का अधिकार है, उसे हम लोग धर्म निरपेक्ष राज कहते हैं। समझे बात, फिर से क्लियर करते हैं, वैसा संविधान, वैसा संविधान, वैसा देश जो अपने नागरिकों को अलग अलग धर्मों के साथ रहने का या जीने का अधिकार देता है, उसे हम धर्मनिरपेक्ष राज कहते हैं, सिंपल भाषा में आप लोग लिखेंगे। देखिए हमने आपको पहले भी कहा है, ध्यान से समझिए, चीजों को जितना सिंपल तरीके से समझ सकते हैं समझिए, जितना सिंपल तरीके से चीजों को लिख सकते हैं लिखिए, बस आपको समझ में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। आपको अगर आपको चीजें क्लियर हो जाएगी तो क्या करेंगे हम, चीजों को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो धर्म निरपेक्ष का राज का यही मतलब होता है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग एक दिन और लगेगा, तो इसमें जैसे कि सार्वभौमिक वैश्य मत अधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र
स्वतंत्र निकाय, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे संविधान की, ये 2 दिनों में खत्म हो जाता, लेकिन कुछ डिस्टर्बशन के कारण जो है ये 2-3 लेक्चर, बट हम इस तरह से कोशिश करेंगे कि जो लेक्चर लाइव, हमारा टाइमिंग लाइव का 2 बजे से है, लेकिन जो चीज़ अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो कोशिश करेंगे हम किसी टाइम उसको आपको रिकॉर्ड कर देंगे, आप उसको रिकॉर्डिंग सिस्टम, रिकॉर्डेड सेक्शन में जाके आप इनरोल करेंगे, इनरोल रिलेवेंट रिक्वेस्ट के बाद क्या करेंगे उसको